नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑर्बिट प्रिंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में क्या क्या फंक्शन हैं और कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम फाइल मेनू पे जाएंगे। यहाँ पे हमारा कंपनी का डिटेल्स है, कंपनी का डिटेल्स है, यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं। देन आपका टैक्स ऐड करने का ऑप्शन है, जैसे CGST कितना परसेंट है, आप यहाँ पे ऐड करके डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं अगर कंटिन्यू वही टैक्स लग रहा है तो। देन SGST ऐड कर सकते हैं, देन IGST। इसके बाद आपका ऑप्शंस है आइटम ऐड करने का, तो जो जो प्रोडक्ट आपके यहाँ है आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं, उसका एनरेशन लिख सकते हैं, सेंस कोड, यूनिट क्या है, पीसेस से पैकेट है कैसा है करके स्क्वायर फिट में, और कैटेगरी क्या, कौन कौन से कैटेगरी में आते हैं, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और उसको ओपनिंग स्टॉक, देन आपका कस्टमर का डिटेल्स, अगर प्री डिफाइंड कुछ कस्टमर्स हैं तो आप यहाँ पे उनका डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। इनवॉइस नंबर प्री फॉर्मेट, इसमें ऐसा है कि जैसे सेल इनवॉइस है आपका, तो उसके जो इनवॉइस नंबर रहते हैं, जैसे 1 2 3 4 आपका इनवॉइस नंबर है, उसके सामने कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे पहले से नोट करके रख सकते हैं, सेशन ईयर वाइज अलग अलग बना सकते हैं। सेम आपका एस्टिमेट भी लें परचेस इनवॉइस के लिए भी। देन आपका परचेस ऑप्शन से यहाँ पे मिलेंगे, तो जो आइटम आपने परचेस किया है न्यू परचेस में जाके सप्लायर का डिटेल ऐड करके कौन कौन सा आइटम आप परचेस किए हैं, यहाँ पे नेम वाइज सेलेक्ट कर लेंगे, टैब बटन से नेक्स्ट पर्सन पे जा सकते हैं, और यहाँ पे साइज ऐड कर लेंगे, जैसे 2x4 का है, 4x6 का है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट उसको ऐड कर सकते हैं। लेंथ, विड्थ और हाइट, इसके अकॉर्डिंग आप जैसे भी रखना चाहेंगे आप कर सकते हैं ऐड। और ये जो टोटल क्वांटिटी है आपका स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे शो होगा, अब स्क्वायर फीट है तो ये आपका 80 स्क्वायर फीट हुआ, तो पर स्क्वायर फीट का जो प्राइस है हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग इस सीट का जो हम सेल आउट कर रहे हैं इसका कितना अमाउंट हुआ ये यहाँ पे शो होगा, देन ऐड कर लेंगे। उसके बाद आपका ऐड पेमेंट का ऑप्शन यहाँ मिलेंगे। पेमेंट मोड कैसा है, कैश है, क्रेडिट है, क्रेडिट है तो क्रेडिट पे यहाँ पे कर लेंगे, और अमाउंट पेड आपका 0 हो जाएगा। और ड्यू डेट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, किस डेट पे उन्होंने बोला है कि आपको पेमेंट करेंगे, यहाँ डेट सेलेक्ट करके देन प्रीव्यू करके हम डेटा सेव कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस भी हैं, अगर न्यू आइटम कुछ है जो आइटम लिस्ट में आपका ऐड नहीं है तो डायरेक्ट आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और न्यू इनवॉइस जैसे पेज आपको रिफ्रेश करना है तो न्यू इनवॉइस क्लिक कर लेंगे। देन ये रिकॉर्ड पेज है, यहाँ पे डेट वाइज, सप्लायर के नेम वाइज या फिर पेमेंट टाइप मोड के हिसाब से आप यहाँ पे डेटा सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका सेल, ये भी आपका परचेज के जैसे ही है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का सेक्शन ऐड है, तो इसमें क्या होगा, जैसे हम 3D बैनर बना रहे हैं, 3D LED बोर्ड हम बना रहे हैं, तो इसमें कौन कौन सा आइटम लगा है हम यहाँ पे इस पर क्लिक करके आइटम नेम जैसे सेलेक्ट करेंगे, टैब बटन यूज़ करने पर एक विंडो ओपन होता है, इसमें इस 3D LED बोर्ड को बनाने में क्या क्या आइटम हमारे लगा है वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। एक्रेलिक शीट लग गया, कितना क्वांटिटी लगा, 5 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो ये जो हमारा यहाँ प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं ये हमारा स्टॉक से माइनस हो जाएगा, लेकिन बिल में शो नहीं होगा, बिल में 3D LED बोर्ड ही रहेगा, लेकिन ये हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा कि इस 3D LED बोर्ड को बनाने में हमारा कितना स्टॉक गया था, कौन कौन सा आइटम हम यूज़ किए थे, ये हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद 3D LED बोर्ड का साइज़ क्या है हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, उसका 10। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा 50 स्क्वायर फीट का बन गया, पर स्क्वायर फीट जो प्राइस है वो हमारे यहाँ हुआ, देन 15,000 अमाउंट टोटल, तो ये हमारा रिकॉर्ड रहेगा। और एडिट करके यहाँ अगर आप चेक करना चाहेंगे तो जैसे एडिट करेंगे तो पहले साइज इनेबल दिखा देगा, फिर यहाँ पे नेम के बाद टैब रन करेंगे तो जो इसमें हमारा आइटम लगा था वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज आइटम नेम टैब टू ओपन मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट, देन यहाँ पे हमारा एड प्रोडक्ट पेमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे भी सेम ऑप्शन है, कैश और क्रेडिट का, तो ड्यू डेट सिलेक्शन पे, तो ड्यू डेट में आपको रिमाइंडर शो करेगा कितने टाइम आपको इस डेट पे आपको पेमेंट लेना है करके।
देन आपका एस्टिमेट बिल का ऑप्शन है। अगर बिना जीएसटी का आपको एक कोटेशन जनरेट करके उनको देना है रन टाइम पे, तो यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। देन आपका इस रिकॉर्ड पेज में रहेगा। इसके बाद आपका स्टॉक ऑप्शन है, जो हम स्टॉक ऐड कर रहे हैं परचेज के थ्रू या सेल के थ्रू आपका स्टॉक माइनस हो रहा है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के थ्रू आपका स्टॉक माइनस हो रहा है, तो सब यहाँ आपका स्टॉक क्वांटिटी शो करेगा अभी तक कितना है। और डेटा में अगर कुछ गलत लगता है आपको, तो स्टॉक रिफ्रेश बटन पे है, ताकि आप रिफ्रेश बटन क्लिक करके चेक कर सकें, सही क्वांटिटी आपको शो हो जाएगा फिर। देन आपका अकाउंट ऑप्शन है, अगर पेमेंट किसी को कर रहे हैं तो यहाँ पे न्यू नॉर्मल पे में जाके आप पेमेंट कर सकते हैं। सेम आपका अगर पेमेंट रिसीव हो रहा है, जैसे आपने बिल भेजा, उनका पेमेंट आपका आते हैं, उनका नाम सेलेक्ट करेंगे, कितना अमाउंट रिसीव हुआ डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेंगे, देन सेव, ये आपका रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। इसके बाद आपका डे बुक ऑप्शन है, तो डे बुक में पर डे के अकॉर्डिंग कितना लेन देन हुआ है, जैसे कितना अमाउंट आया है आपके पास, कितना अमाउंट आपने पे किया है, उसका रिकॉर्ड आपको मिलता रहेगा। सेम लेज़र में ऑप्शन आपका, लेज़र में पर्सन वाइज आपको रिकॉर्ड यहाँ शो होगा, तो नेम वाइज सर्च कर सकेंगे, नेम वाइज सर्च करने पे कितना वो रिसीव हुआ है, कितना अमाउंट पे किए हैं, कौन से पर्पस के लिए, ये रिकॉर्ड आपको शो होता रहेगा। देन मैनेजमेंट डेटा बैकअप ऑप्शन है, आपको लोकल ड्राइव बैकअप ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। देन आपको यूजर नेम पासवर्ड अगर चेंज करना है उसके लिए ऑप्शन है। रिपोर्ट में आपका प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट है, यहाँ पे कितना आपने परचेस अमाउंट किया इस डेट रेंज के अकॉर्डिंग, उस डेट रेंज के टू अकॉर्डिंग कितना आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, प्लस माइनस में यहाँ शो होगा आपको। देन परचेस रिपोर्ट है, यहाँ पे हम पर्पस के अकॉर्डिंग से रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, सप्लाई नेम के अकॉर्डिंग, मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट नेम, अगर प्रोडक्ट नेम वाइज चेक करना चाहेंगे कि ये जो हमारा 3D LED बैनर था, ये हमारा कितना सेल आउट हुआ है, कौन कौन से कस्टमर को सेल आउट हुआ है, तो यहाँ से प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट करके प्रोडक्ट का नाम में हम यहाँ पे सेव कर सेलेक्ट कर लेंगे और शो बटन पे क्लिक कर लेंगे, तो जो प्रोडक्ट हमारा सेल हुआ रहेगा, परचेस हुआ रहेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शो होगा। सेम जैसे परचेस का रिपोर्ट था, वैसे सेल का रिपोर्ट है यहाँ पे। और ये जो डैशबोर्ड में आपका शॉर्टकट लिंक्स दिए हुए हैं, ताकि आप फास्ट यूज़ कर सकें। ये आपका प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर था, थैंक यू।